हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल नवीलेश आलम व्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ चिकन की एक रेसिपी है जो कि बहुत ही आसान है बनाना, मतलब एक बच्चा भी बना सकता है, इतनी इजी रेसिपी है। लेकिन वो इतनी टेस्टी और यमी होती है कि आप खाओगे ना तो आप कहोगे कि हाँ कुछ खाया हमने। तो आज के व्लॉग में मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ चिकन की रेसिपी, और ये जो है पार्ट टू है पिछले वीडियो का, क्योंकि बहुत लंबा हो गया था वीडियो, तो इसलिए मैंने इसको पार्ट दो पार्ट में कर दिया है। तो ये उसी का कंटिन्यूशन है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे बनता है और कैसा बनता है, नहीं बनता है तो सब आपसे शेयर करूंगा, आप लोग बने रहिए। पहले हम लोग सबसे पहले गैस ऑन कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इधर आ जाओ तुम, इस तरफ आ जाओ सर, क्योंकि इधर हाथ ना नजर नहीं। इधर आ जाओ। तो यहाँ पे मैंने जो है कढ़ाई ले ली है। तो यहाँ पे जो है चिकन अगर इस तरह का बनाने, तो पहली बात तो अगर सरसों तेल है आपके पास तो बेस्ट होगा इस चिकन के लिए। अगर वैसे रिफाइंड तेल भी हो तो आप बना सकते हैं, लेकिन अभी मेरा सरसों तेल है तो मैं सरसों तेल में बनाऊंगा। नहीं होता तो फिर रिफाइंड तेल ही लेना पड़ता। तो थोड़ा इसमें तेल ज्यादा ले, क्योंकि तेल का इसमें मजा है थोड़ा सा बस। और तेल अच्छे से जो है गर्म हो जाए पहले। तो चलिए पहले गर्म हो जाए, उसके बाद फिर आपको दिखाता जाऊंगा, आप लोग बने रहिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा तेल जो है अभी गर्म हो चुका है, तो सबसे पहले हम इसमें जो है जीरा ले लेंगे, इस तरह से साबुत जीरा। तो ये पकड़ लीजिए, अगर आप ऐसे टी स्पून लीजिएगा तो छोटे एक चम्मच या आधा चम्मच आप डालिए अपने हिसाब से। तो यहाँ पे जो है जीरा डाल दिया। जीरा डालते ही आपको जो है अदरक लहसुन, अगर आपका पेस्ट पैकेट वाला है, जैसा भी है, अगर घर में बनाया हुआ है मिक्सी वाला, जो भी है, कम से कम 40 से 50 ग्राम पकड़े। तो इस तरह के चम्मच से मैं बोल देता हूँ आपको कितने चम्मच, देखिए आपको आसान होगा। ये पूरा एक चम्मच बड़ा एकदम पूरा ओवर लोड करके मैंने डाला है। अब इसमें थोड़ा सा बचा हुआ तो वो भी मैं डाल ही दूंगा, तो बर्बाद होगा। तो पकड़ लीजिए डेढ़ चम्मच, अगर उस हिसाब से देखा जाए तो डेढ़ चम्मच है इसमें। 50 ग्राम का मैं कोई चाहते, 50 ग्राम का पैकेट है तो 50 ग्राम मैंने डाला है, तो आप भी उसी हिसाब से डालें। और अगर आपके पास घर वाला है तो वो और अच्छा है, वो तो और मजा आएगा, लेकिन मेरे पास अभी पैकेट वाला, तो पैकेट वाला मैंने डाल दिया। अदरक लहसुन थोड़ा सा इसमें लाल होगा, ज़्यादा नहीं, जलाना नहीं अदरक लहसुन को पेस्ट को। और साथ ही साथ यहाँ पे गरम खड़े मसाले में एक तेज पत्ता जाएगा, थोड़ी सी दालचीनी जाएगी, दालचीनी बस थोड़ी सी, 7 इलायची जाएगी, 7 से 8 इलायची थोड़ी ज़्यादा रहेगी इसमें, क्योंकि उसी का सबसे ज़्यादा फ्लेवर आना चाहिए। और 4 जो है लौंग डालूंगा मैं साबुत। बस ये हो गए खड़े मसाले। इसको जो थोड़ा सा अच्छे से फ्राई हम लोग करेंगे सब मसालों को, और इसको और इसमें कैसे, इसमें सब कुछ अब जो है देखिए कैसा भी सब एक साथ डल गया इसमें। इसको मुश्किल से मैं अभी 15 से 20 सेकंड छोड़ दूंगा, तो 15 सेकंड पहले लाल हो जाए तब आपको दिखाता हूँ। अब फ्रेंड्स, हमने जो है देखिए अभी 15 सेकंड 20 सेकंड में ऐसा हो गया, ये स्टेज में आया है अभी, ना लाल है ना कच्चा है। बस इतना मैंने किया कि थोड़ी सी जो अदरक लहसुन की जो स्मेल है वो खत्म हो जाए। अब इसी में जो है जो मैंने प्याज काटी थी, ये 4 मीडियम साइज है, और 2 मैंने हरी मिर्ची काटे, जितना आप स्पाइसी खाते हैं, हम लोग थोड़ा कम खा रहे हैं तो 2 काटी, ज़्यादा तो आप 5 डाल दो, नहीं खाते तो मत डालो, लेकिन कम से कम 1 तो डालो, क्योंकि इसका भी एक अपना फ्लेवर होता है। और इसी में आप जो इसको मिक्स कर दीजिए। अब क्या करना है, एकदम इजी, कुछ नहीं, ये आपने इसको डाल दिया थोड़ा सा इसके ऊपर चम्मच से मिक्स कर लें कि जो पेस्ट है और जो गरम मसाला है वो प्याज और मिर्चों में पूरा अच्छे से मिल जाए। ये रहा, इसको कुछ लाल नहीं करना है अभी, ये रहा ये हो गया। और ये जो ग्रेवी है ये प्याज से ही बनेगी, इसलिए प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा ज़्यादा लिया, ग्रेवी वही है, क्योंकि मैं इसमें पानी नहीं मिलाऊंगा, ये बिल्कुल बिना पानी के इसी में ग्रेवी बनेगी। तो जो चिकन है इसको डालते हैं, ये है चिकन लेग पीस जो कि साहिबा को पसंद है। ये हमारा लेग पीस आ गया, तो इस तरह से सब कुछ एक साथ देखिए डाल दिया मैंने, कुछ नहीं कि लाल करना है, पीला करना है, 15 मिनट रुकना है, 1 घंटा रुकना है, कुछ नहीं, एकदम नॉर्मल। अगर नई नई शादी हुई है, नहीं आता खाना बनाना, एकदम चिकन खिलाइए अपने हस्बैंड को, फैमिली को, 100-100 रुपये आपको इनाम मिलेगा घर वालों से। ये कलेजी कोई नहीं खाता है, खाओगे तुम तो क्या करूँ, हटा दूँ, क्योंकि मैं भी नहीं खाता हूँ, साहिबा भी नहीं खाती, तो उसको हटा दिया मैंने कलेजी, तो इसको हटा दिया है। अगर आप लोग खाते हैं तो डाल देना, हम लोग नहीं खाते तो नहीं डालना। ये हो गया, अब इसको जो है क्या करना है, ये रहा, इसको अच्छे से अब इसको जो है मिक्स करें पूरा। एकदम ईजी रेसिपी है, बिल्कुल ईजी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये कोई भी, मतलब एक बार आप देख लो ये कोई बना सकता है, इतना ईजी है, क्योंकि इसमें कोई मैंने वही नहीं है कि इतना जलाना है, 10 मिनट रुकना है, बहुत सा झमेला होता है चिकन या मटन कुछ भी, लेकिन इसमें झमेला नहीं हो रहा, अच्छे से मिक्स हो गया। ये मिक्स होने के बाद अब हम क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो लहसुन मैंने लिया था, तो ये लहसुन जो है किस काम में आएगा ये भी मैं आपको बताऊंगा जब खाऊंगा तब। तो यहाँ पे तुम लहसुन लोगे नहीं, तो यहाँ पे सिर्फ मैं एक मेरा 2 मैं ले रहा हूँ, एक अम्मी ले लेंगी,
तीन लहसुन मैंने यहाँ पे ले लिए हैं साबुत, और इसको जो अच्छे से इसी में मिला दिया जाएगा लहसुन को। अब क्या करना है, अब मैं दिखा रहा हूँ। तो अगर ये एक्चुअली इसको जो है ना, ये एक तरह का हो गया आपको ये अहुना चिकन हांडी में जो बनता है, तो वही रेसिपी है, लेकिन अभी हांडी नहीं है, तो अब हर टाइम तो आदमी हांडी लेकर कहाँ से आएगा, तो इसीलिए कढ़ाई में बन जाएगा ये, और बिल्कुल आपको वही टेस्ट आएगा जो जो कि मटकी में बनता है। ये हो गया, अब हमें क्या करना है, इसी स्टेज में सब मसाले डाल देने। अब क्या क्या मसाले डाल रहा हूँ आप लोग देखते रहिए आराम से, मसाले में डाल लें। सबसे पहले यहाँ पे जीरा पाउडर जाएगा, तो कितना कितना जाएगा मैं आपको थोड़ा बंद करिए एक मिनट। इसी स्टेज में हम लोग को क्या क्या डालना है अब मैं आपको दिखाता हूँ, तो आप लोग बने रहिए। अरे तो ये छोटा एक इसको टी स्पून ही बोला जाएगा। तो ये हो गया जीरा पाउडर, जीरा पाउडर आधा चम्मच भर के, थोड़ा सा और ले लीजिए जीरा पाउडर। उसके बाद नमक तो डाल देंगे, धनिया पाउडर, धनिया पाउडर भी आधा चम्मच, क्योंकि मैं ये ज़्यादा नहीं डालता हूँ, क्योंकि नहीं तो धनिया का ना बहुत एक स्ट्रांग फ्लेवर होता है जो कि पूरे सालन में आ जाता है, और फिर दूसरे चीज़ की खुशबू आती ही नहीं है उसमें। और ये तो मैं ऐसे ही डाल देता हूँ, ये मेरा डब्बे है तो मैं ऊपर से डाल देता हूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए जो है मैं सब कुछ इसीलिए जो है ढक्कन खोल खोल के स्पून के हिसाब से बता रहा हूँ, तो मैं तो ऐसे ही डाल देता हूँ अंदाज से, अगर आपका भी अंदाज है तो कर सकते, नहीं तो टी स्पून जिंदाबाद। इतनी हल्दी थोड़ी सी और ले लेंगे, और इसमें कोई कश्मीरी मिर्च और ये सब नहीं जाएगा लाल के लिए, एकदम जो है चिकन का मसालों का जो ओरिजिनल कलर आएगा, और जो कलर आएगा आप भी बोलोगे वाह भाई साहब क्या कलर है। ये हो गया गरम मसाला, घर का पिसा हुआ गरम मसाला, ये घर का पिसा हुआ है, ये अम्मी पीसती हैं, एक नंबर मसाला है ये, क्योंकि मार्केट में जिंदगी में नहीं मिलेगा। अगर इसकी गरम मसाले की रेसिपी चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताना, मैं इंशाल्लाह इसकी भी रेसिपी दे दूंगा अम्मी से लेकर, और बनाकर कैसे बन क्या क्या बनता है। और ये मसाला बिरयानी में भी काम आता है, बहुत अच्छा होता है, हम लोग बिरयानी भी इसी से बनाते हैं, बाहर से नहीं लाते हैं मसाला। और जितना आपको लाल मिर्ची पाउडर चाहिए उतना, क्योंकि और अंदर ये याद रखिएगा कि मैंने हरी मिर्ची भी डाली है, तो इसलिए ये मैं कमी डालूंगा बस टेस्ट के लिए, और ऐसे भी लाल मिर्ची ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, बस ये भी ज़्यादा ही है, इतनी से डाला है मैंने, क्योंकि स्पाइसी थोड़ा सा होगा तो मज़ा आएगा चिकन। और अब जो है नमक की बारी है, तो नमक जो है भाई पहले मैं कमी डालूंगा, क्योंकि नमक जो है टेस्ट के लिए डालना है, तो आप भी अपने हिसाब से डालें, इसमें कोई चम्मच का हिसाब नहीं, जितना आपको नमक चाहिए उतना। तो पहले मैं कम डाल रहा हूँ, क्योंकि अगर कम भी होगा तो बाद में ऐड हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा हो गया तो बर्बाद हो जाएगा। ये मैंने सब कुछ यहाँ पे मिला दिया, मिक्स कर दिया है। अब इसको क्या करना है, कुछ नहीं करना, एक तो कपड़ा लेना है, अब इसे प्यार से और मोहब्बत से पूरा लबा लब करके मिला देना है, कि हर पीस में जो है चला जाए, इसमें कुछ नहीं करना। और अभी जो आप लोग देख रहे होंगे, आप लोग सोच रहे हो क्या ये बना रहा है, कैसा कलर है, नहीं है, जब ये अभी थोड़ी देर बाद जब मैं आपको दिखाऊंगा तो आप खुद बोलोगे वाह भाई क्या है, और मज़ा नहीं आया, मुंह में पानी नहीं आया ना, तब आपने कहना कि क्या भाई क्या बकवास रेसिपी आपने शेयर की है। और इसमें एक बूंद पानी नहीं डालूंगा मैं, अभी इसकी ग्रेवी इसी में आएगी, जो मैंने तेल डाला है, चिकन अपना छोड़ेगा थोड़ा बहुत, प्याज है लहसुन है सब कुछ उसमें मेल्ट हो जाएगा अभी पेस्ट वेस्ट। और अभी कुछ ये जो कलर आया अभी कुछ नहीं आया, ये अभी इसको जब मैं पकाऊंगा तब इसका ओरिजिनल कलर आएगा। तो चलिए इसको पहले मिक्स कर लेता हूँ, मिक्स अब चलिए मिक्स तो हो गया अच्छे से, इसको अच्छा ही आप देख ही लीजिए कैसे मिक्स हो रहा है, एकदम अच्छे से इसको मिक्स करना है दिल लगा के, ठीक है। और अब मिक्स होने के बाद अब हमें क्या करना है, इसको अच्छे से पूरा एक जगह कर लेना है, जो लहसुन गिर गया है पानी का है, ये लहसुन वापस मैंने डाल दिया, इसको भी एक बार और मिला देते हैं, मिल जाए अंदर, खुशबू तो अच्छी आ रही है चिकन में। और मैंने एकदम छोटा चिकन कटवाया है, क्योंकि बड़ा चिकन में ना मज़ा नहीं आता है, चर्बीदार, ये एकदम छोटी चिकन थी, 1.25 किलो या 1 किलो 300 ग्राम का चिकन था, 900 ग्राम उसमें गोश्त निकला। ये हो गया, इसी स्टेज में आ गया, अब हमें क्या करना है, इसका ढक्कन लगा देना है, और फ्लेम को आइए फ्लेम दिखाओ साहब, फ्लेम एकदम स्लो कर देना, जितना आपका मिनिमम है मैंने मिनिमम में कर दिया यहाँ पे। अब इसको जो है घड़ी देख कर 15 मिनट भूल जाइए, चिकन आपने बनाया रखा है एकदम भूल जाइए 15 मिनट, 15 मिनट के बाद मैं आपको फिर दिखाऊंगा किस स्टेज में आता है चिकन, उसके बाद क्या करना है वो भी बताऊंगा। तो अभी तक तो आपको समझ में आ गया, एकदम बिल्कुल इजी स्टेप है, सब कुछ एक साथ मिला दिया और इसको बंद कर दिया। अब मिलता हूँ 15 से 20 मिनट के बाद, अभी जो है लगभग 15 से 20 मिनट हो गए हैं, तो चलिए अब इसको खोलते हैं और देखते हैं कि किस स्टेज में पहुंचा हमारा चिकन। खुशबू आ रही है साहब कैसी, बहुत तगड़ी वाली। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा चिकन का, अभी देखिए कलर, पहले का कलर और अभी के कलर में कितना फर्क आया, साहब बताओ, चलाओ भाई इसको मिलाओ, क्योंकि मेरे हाथ में कैमरा है, ये देखो मिलाओ मिलाओ अच्छे से,
छोड़ दो, तो आप लोग देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त कला आया। तो अभी जो है हम लोग इसको देखेंगे कितना ये जो है कुक हुआ है, इतनी देर में बाकी है या नहीं है, क्योंकि एकदम ये सॉफ्ट होना चाहिए कुक होने के बाद। तो हुआ है कि नहीं देखो सर, एकदम कुक हो गया अच्छे से। तो और अब इसको हम लोग जो है कम से कम 5 मिनट इसको छोड़ेंगे। क्यों छोड़ेंगे चलिए दिखाता हूँ, पहले मैं सब तैयारी कर लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए अभी हमारा चिकन हो ही रहा है, और यहाँ पे जो है मैंने एकदम छोटा एक टमाटर को अच्छे से बारीकी से काट लिया, इसको भी इसी में जो है मिला देंगे। इसको अच्छे से फिर एक बार मिला दूंगा, और अब जो इसको फिर वैसी लो फ्लेम में फिर बंद कर दूंगा और 5 मिनट घड़ी देख के छोड़ूंगा। तो अभी देखिए तेल वेल सब जो ऊपर आ गया है जो था, और इसको मिला देता हूँ, फिर 5 मिनट के बाद आपको दिखाऊंगा जो एकदम जब ये तैयार हो जाएगा तब। और यहाँ पे मेरे चावल भी उबल रहे हैं, और इसके बाद रोटी बनेगी, तो चावल उबल जाए फिर रोटी बनेगी। और ये मुश्किल से देख लीजिए आप 20 से 25 मिनट में आपका चिकन तैयार, वो भी कुछ बिना किए, ना चम्मच चलाना है ना बार बार कुछ करना है, ये रहा बनी रहा आराम से। तो अभी इसी को ऐसे ही छोड़ देंगे और 5 मिनट फिर आपसे मिलता हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पे फाइनली जो है हमारा चिकन शायद तैयार हो गया है, खुशबू बहुत आ रही है, और ईमानदारी से बता रहा हूँ मैंने खोला नहीं है, आप सोच रहे होगा बड़ा खोल लिया होगा, कसम से मैंने खोला नहीं है। तो मैं भी एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कैसा बना है, बस अल्लाह मेरी इज्जत बचा लीजिए, बस अच्छा बने। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो आप लोग देखिए ये बिना पानी का सालन है, इसमें मैंने एक बूंद भी पानी नहीं डाला, ये जो भी ग्रेवी है ये सिर्फ और सिर्फ तेल है, मसाले हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट और प्याज भी आप देखिए बिल्कुल जो मिक्स हो गई है, मैंने जबकि मिक्सर भी नहीं पीसा। तो ये लगभग लगभग मैंने टोटल जो इसको पकाया है आधा घंटा छोड़ा है। अगर आप चाहें, अगर आपको थोड़ा चिकन क्या कहते हैं हार्ड पसंद है तो आप 20 मिनट में इसको ऑफ कर दें, अगर आपको मेरे तरह थोड़ा चिकन सॉफ्ट पसंद है तो कम से कम आधा घंटा। ये रहा अभी आधे घंटे में, ये देखिए हड्डी से जो है गोश्त बिल्कुल अलग हो गया, मुझे इसी तरह का पसंद है ये देखिए। और ग्रेवी देखिए कितनी जबरदस्त थिक ग्रेवी है, ये देखिए ग्रेवी देखिए, सिर्फ प्याज और अदरक लहसुन का जो ग्रेवी है वही है। अब इसको खुशबू तो बहुत आ रही है, और तेल भी देखिए साइड में आ गया है पूरा, लहसुन भी अच्छे से इसमें हो गया। अब इसमें क्या करना है, टमाटर भी पूरे इसमें जो है घुल चुके हैं। अब इसमें हमने यहाँ पर धनिया पत्ती काटी है, भर भर के अपने हिसाब से आप धनिया पत्ती डालिए जितनी आपको चाहिए, क्योंकि इसकी खुशबू जो है इसमें 4 चांद लगा देती है। पैसा दे के लाए पूरा डालेंगे एक एक पत्ती। अब ये हो गया, अब इसको जो हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है एकदम रेडी हो गया 100% खाने लायक। अब इसको हम लोग गैस को ऑफ कर दिए हैं, और अब इसको हम लोग जो है ऐसे ही छोड़ देंगे जब तक रोटी बनेगी। चावल भी बन चुके हैं, चावल दिखाओ साहब, चावल बन गए हैं, बस 4-5 रोटी बनेगी जल्दी जल्दी, रोटी बन जाए उसके बाद इसको अभी ऐसे ही हम लोग इसको ढक देंगे और बंद कर देंगे, क्योंकि अब क्या है ये ठंडा भी होता रहेगा सालन अपने उसमें आएगा, और पूरा मसाला ग्रेवी एक जगह आ जाएगी, टेस्ट अंदर तक जाएगा पूरा। और जो धनिया जो मैंने ऊपर काट के इसको रखी है अभी बंद कर दिया है, तो ये 15-20 मिनट क्या है अभी रोटी बनेगी तो 15-20 मिनट लगेगा, उतनी देर में पूरे सालन में जो है धनिया का स्ट्रांग एकदम खुशबू फ्लेवर आ जाएगा। उसके बाद जो है बस इसको जो है मुंह के अंदर जो है क्या बोलते हैं जाने वाला है, और आपको दिखाऊंगा। मेरे सचे मुंह में पानी आ रहा, पता नहीं क्यों ऐसे, मुझे चिकन तो पसंद है लेकिन आज कुछ ज्यादा ही बस मेहनत रंग लाई है ऐसा तो लग रहा है, बाकी अल्लाह मालिक। और नमक थोड़ा सा मैंने बाद में थोड़ा सा भी और डाला है, क्योंकि मुझे फीका लग रहा था, तो एकदम चुटकी भर और डाला हूँ नमक, तो ये आप बाद में देख लेना, चेक कर लेना मेरे तरफ। तो यहाँ पे माशाल्लाह ऑलमोस्ट रेडी है, तो चलिए अब दस्तरखान बिछ जाए, सब कुछ रेडी हो जाए, तब आपसे मिलता हूँ सीधा दस्तरखान पे। हमारा जो खाना बन चुका है, तो अभी साहिब बस रोटी बना रही है, रोटी बन जाए तो फिर, और फ्रेश भी हो गया हूँ मैं, रोटी बन जाए तो फिर बस खाएंगे। और ऑलरेडी अभी रात के 11:15 हो गए हैं, तो भूख बहुत जोर से लग रही है वैसे भी, और आज शाम में कुछ खाए नहीं हम लोग, सिर्फ पुचका उचका खाए और चाय पी के आ गए थे, दिल नहीं रहा कुछ खाने का ऐसा, और शाम में तो खाने हम लोग खाए हैं, मैं खाया हूँ 6:30-7 बजे तो खाना खाया हूँ, तो भूख भी मर गई थी, सुबह से भूखा था, फिर लास्ट में थोड़ा ही सा खाया पेट भर के, लेकिन अभी बहुत जोर से भूख लग रही है, एकदम जम के खाना है, चिकन भी बनाया, मजा आ रहा देख के, मतलब देख के दिल खुश हो गया, खाएंगे तो बताऊंगा कैसा है। रोटी भी आई गई है बन के, कितनी रोटी बनाई, 5 तो अभी रोटी मैं खाऊंगा, एक या दो जायबल, मैंने 2 रोटी एक्स्ट्रा बनवाई है, क्योंकि रात में हो सकता है शायद भूख लग जाए सुबह, तो इसीलिए काम आ जाती है चिकन तो। और यहाँ पे जो है आ चुकी है, यहाँ रोटी भी बन गई है, चावल आ रहे हैं, यहाँ पे जो है कुछ मैंने प्याज काट ली है, एक प्याज धनिया क्यों रखा हूँ वो भी बताऊंगा, चाट मसाला, उसके बाद काला नमक, और ये है गोलकी, ये है, और यहाँ पे चावल आ चुके हैं गर्मा गर्म, और यहाँ पे चिकन है अभी, तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और बताते हैं कि कैसा बना है नहीं बना है ना, तो आप लोग इंतजार है बहुत देर से, तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और दिखाता हूँ कि कैसा बना है नहीं बना है। तो फ्रेंड चलिए सब बर्तन लग गए, बिस्मिल्लाह करते हैं, बहुत जोर से भूख लग रही है, हम गर्मा गर्म है अभी, 15 मिनट के बाद अभी खोल रहा हूँ, तो सारे बर्तन दिखाओ, तो ये देखिए मैंने धनिया पूरी मिला दी थी, और ये लेवल में है बिल्कुल जो है ग्रेवी, देखिए एकदम ड्राई वाली है, लेकिन बहुत मजा आएगा खाने में,
चलिए पहले एक लेग पीस आज हम भी खाते हैं भाई, दो लेग पीस है तो एक मैं ले लेता हूँ, और एक मेरा लहसुन प्यारा सा, और जो है एक अच्छा सा और हड्डी वाला पीस मिल गया, मुझे हड्डी वाला पीस ही ज़्यादा पसंद है वैसे भी। और गर्दन जो है मैं शौक से पहले नहीं खाता था, लेकिन अभी मैं खाने लगा क्योंकि मेरा एक भाई जो कैमरा मैन था उसने मुझे आदत दिला दी है, अब तो वो नहीं खाता, वो है नहीं अभी तो चला गया, तो वो नहीं खाता, लेकिन उसके बदले मैं खाता हूँ और काफ़ी याद भी करता हूँ। पता नहीं कैमरामैन को मेरी याद आती है कि नहीं, पता है वो वीडियो तो देख रहा होगा, पता नहीं याद आती है कि नहीं, कमेंट तो करते ही नहीं है ना, फ़ोन करने का टाइम है भाई को, तो कोई बात नहीं, चलो भाई के नाम में आज गर्दन खाएंगे हम। तो यहाँ पे सालन आ गया, तो चलिए पहले रोटी से हम टेस्ट करूँ, बहुत चिपक जा रहा गर्म, पहले रोटी खाते हैं और बताते हैं कि कैसी है। बिस्मिल्लाह, बात करनी जरूरी है तो कर लूंगा, लेकिन अगर शायद नई वीडियो बनाता तो मैं चुप से पहले पूरा खा लेता, इतना ज़्यादा अच्छा बना है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। एक बार आप प्लीज़ रिकमेंड करूँगा कि आप अपने घर में से ट्राई करें और अपने भी खाएं, घर वालों को खिलाएं, आप कहिएगा, कमेंट करिएगा, फिर उसके बाद बताना कि कैसा लगा, आप मतलब अपनी उंगली नीचे आटे और कहोगे कि इतनी ईजी रेसिपी और इतनी अच्छी कि मतलब अच्छे अच्छे प्रोफेशनल शेफ भी इतना अच्छा चिकन नहीं बना पाएंगे, वो भी इतने ईजी तरीके से। हर चीज़ अगर बोलूँ तो परफेक्ट है हर चीज़। तो चलिए अब इसमें हमला करते हैं, चिकन थोड़ा सामने आ जाओ कैमरा लेके, तो चिकन लेग पीस में, तो ये धनिया का क्या काम था, तो थोड़ा फ्रेश धनिया इसके ऊपर इस तरह से सजा देते हैं और थोड़ा स्टाइल से खाते हैं, क्योंकि खाना है ना जितना स्टाइल से खाओ उतना मज़ा आता है। अरे थोड़ा मैं सोफे के अंदर धस जाता हूँ भाई, दुबला पतला इंसान, थोड़ा पीछे हो कैमरा लेके, अब सही है, वैसे खाया नहीं जाता मुझसे। तो ये है इसको, चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। प्याज खाते हैं, थोड़ा सा इसमें जो है ग्रेवी रखते हैं पहले इस तरह से, और फिर थोड़ा सा इसमें ये धनिया रखते हैं एकदम ताजी ताजी, इसको फिर खाते हैं, एक बाइट लेते हैं। चिकन देखिए कितनी अच्छी से कुक हुआ था, सामने आओ भाई, मजा आ रहा, बहुत मजा आ रहा है। और मैं बिल्कुल स्पाइसी नहीं खाता हूं, अगर आप मेरे पुराने व्यूअर, अगर आप मुझे पहले से देख रहे हैं, लेकिन इस चिकन में स्पेशली मैंने दो टोच डाली है चिली, ग्रीन चिली, क्योंकि सालन में इसका मज़ा बहुत आता है चिली का, तो मैं खाता नहीं, लेकिन तब भी मैं डाला हूँ और इतना मज़ा आ रहा है, स्पाइसी तो है लेकिन बहुत ही मज़ा आ रहा है खाने में, तो रोटी से तो बहुत ही मज़ा आ रहा है खाने में, बहुत ज़्यादा। अब आप पूछ रहे होंगे ये लहसुन का क्या काम है इसमें, तो लहसुन यहाँ चावल में रख दिया हूँ मैं, तो अभी रोटी और है तो रोटी और खाऊंगा, लेकिन पहले चावल में थोड़ा हमला करते हैं, फिर बाद में रोटी और खाऊंगा। तो पहले यहाँ पे थोड़ी सी चले ग्रेवी निकालता हूँ मैं, हाँ ग्रेवी दिखाओ भाई, ये देखिए ग्रेवी देखिए सर, मतलब आपको मैं बता रहा हूँ एक बार बना के खाना और खिलाना घर वालों को, अगर आपकी तारीफ नहीं हुई ना तो मतलब तब बोलना मुझे, गाली मत देना लेकिन बताना, लेकिन इंशाल्लाह वो मतलब वो नहीं होगा ऐसा, कि बहुत ही अच्छा बनेगा, अगर जैसा मैंने बनाया बिल्कुल उसी तरह से बनाइएगा तो 100% सबको पसंद आने वाला है घर में। और हाँ पानी मत डालिएगा, अगर पानी इसमें डाल देते हैं या थोड़ा सा भी अगर अपना आप हिसाब लगाते हैं तो फिर भाई उसकी गारंटी मेरी नहीं है,
अगर फिर टेस्ट ऊपर नीचे, लेकिन हाँ जैसे मैंने बताया इस तरह से आप सेम बनाइएगा, उसके बाद अगर कोई चीज़ की भी कमी होती है तो मुझे आप बताना। तो यहाँ पे अच्छे से ग्रेवी ले लिया मैंने। और साहब तुमको क्या हो रहा है, ये मैं दो बार देख लिया इसको, ऐसे ऐसे कह रही तो उसके मुंह में पानी आ रहा है, ये भी भूखी है। तो चलो जल्दी से शूट हो जाए, फिर वो भी खाएगी, हमला मारेगी। और जो मैंने इलायची डाली थी ना, खड़ी हुई इलायची 3-7-8 पीस, उसका भी एक बहुत अच्छा स्मेल आ रहा है। बस उसको भूल से मुंह में ना ले लें, ये तो पूरा मजा बर्बाद हो जाता। तो देख के खाएं, मैंने निकाल दिया पहले ही। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं चावल के साथ, और बताऊंगा अब कैसे खाना है। ये लहसुन का काम ये है, लहसुन जो है ना, ये बिहारी डिश जो होती है, बिहार में जो बनता है सालन वालन, उसमें लहसुन साबुत डाला जाता है और ये चूसने के काम आता है इस तरह से। और इधर थोड़ा कैमरा लेके आओ, इतने अच्छे से देखिए, ये भी वो हुआ एकदम जो है हलवा हो गया, हलवा मतलब हल्का सा मैं टान रहा हूँ तो पूरा मुंह में ना अंदर का वो आ रहा है, मजा आ रहा है खाने में। तो प्यार सालो नमक तो चाट मसाला है। तो सब चिकन के साथ खाएंगे चावल को। बहुत ही अच्छा बना है, मतलब मैं जितनी तारीफ करूँ ना कम है, मैं सही बता रहा हूँ, मैं ओवर एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ। देखिए बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा, मतलब मुझे लगता है अभी तक का मेरा बेस्ट चिकन बना है। तो चलिए अभी पहले फिनिश कर लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलता हूँ मैं खाना खाने के बाद। तो फ्रेंड्स मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगा, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लॉन्ग हो चुका है, काफ़ी लंबा हो चुका है। सो मैं अब यहीं आपसे इजाज़त चाहूँगा और वीडियो एंड करूँगा। सो अगर यहाँ तक आपने देख लिया है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें चैनल नबीला शाहम ब्लॉग्स, और बन जाए हमारी फैमिली का हिस्सा। सो चलिए फ्रेंड्स, और मिलता है एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर और बाय।